तो अभी हम क्रिसमस के लिए तैयार हैं, तो हम आप सबको संदेश मैसेज जरूर दे रहे हैं आप लोग के माध्यम से, न केवल हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए हम संदेश देना चाहते हैं। तो मैं विषय से चाहिए जिसे मनुष्य ईश्वर को आदर सत्कार सम्मान करने की इच्छा और आज्ञा पूरी करें, लेकिन मनुष्य ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया, प्रेम के विरुद्ध काम किया, और इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। और सजा बहुत ही बुरी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ईश्वर जो करुणामय है उसने अपने ही पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसका पुत्र मनुष्य के पाप का बदला चुकाए और फिर ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करे। यही मूल चीज है और इसीलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा। और ईश्वर की इच्छा है कि हमारे प्रभु ने और उसके पहले ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी, प्रेम की आज्ञा, उसका पालन करते हुए हम अच्छा पवित्र जीवन जिए। तो इसलिए हमारे प्रभु का आना हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही खुशी की बात है और हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं। माना एक सवाल है ये कि जितने लोग मिसा को आ पाते हैं उनको आने दो, सदा की तरह कैथेड्रल में चरनी होगी, लेकिन इस साल हम आर्च बिशप हाउस की चरनी में लोगों को भी थोड़ा सा ये करने के लिए, आर्च बिशप हाउस की भी चरनी आप लोगों ने देखा है, कड़ी तैयारी चल रही है, ये पूरे पुराने सालों के चीज़ ही ये करके उपयोग करके नया चीज़ नहीं खरीदे हैं, क्योंकि हम जो बचता है गरीबों को और उनको भोजन देना चाहते हैं। जो जैसे आर्च बिशप बोला है, सबों को बोला है ना केक ना गिफ्ट ना फूल लेके आर्च बिशप हाउस आना, वो बचा के गरीबों को दे देना। तो हम यहाँ से ही हमारा उदाहरण देते रहेंगे। तो ऑनलाइन मिसा होगा 10:30 रात का, आज बिशप चलाएगा 24 रात को 10:30 कैथेड्रल में, और सुबह का 9:30 ये ऑनलाइन मिसा होगा जो मैं चलाऊंगा। तो ऑनलाइन मिसा करके जब लोग कल गिरजा में नहीं आ पाते थे तो ऑनलाइन मिसा करके काफ़ी, आज जो हम YouTube मार्च में शुरू किया था उसको 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, और एक एक मिसा को 50,000 से अधिक 1-1.5 लाख तक व्यूज़ मिलते रहे। तो ये भी एक दूसरी टाइप की सेवा, दूसरी तरह की सेवा जो आध्यात्मिक थी वो करते हैं। आर्चबिशप बोल चुके हैं कि इस साल हमारी ज़्यादा आध्यात्मिक होगी, गरीबों की सेवा करने का कि एक क्रिसमस होगा। तो हमारे प्रोग्राम्स क्या है, आज आर्चबिशप प्रिजन में जा रहा है, करीब करीब 3,000 कैदियों को से मिल लेगा, सिस्टर लोगों के साथ फादर लोगों के साथ, वहाँ उनके लिए भी एक शुभ संदेश जो दुख में है, काफ़ी लोग वहाँ बिना बेगुना है लेकिन वहाँ फंसे हुए हैं, अंडर ट्रायल्स है। हमारा फादर अल्फोंस आइंस भी वहाँ है जो हम जानते हैं कि बेगुना है और निकलेगा, एक दिन सच निकलेगा बाहर, उनको उनकी सेवा के लिए। और यहाँ न सिर्फ पूरा क्रिसमस हर साल और विशेष करके इस साल न सिर्फ ईसाइयों के लिए है, सबों के लिए है। तो प्रिजन मिनिस्ट्री को आज आर्चबिशप चाहेगा। सभी रिक्शा होल्डर को हम यहाँ हमारे साथ अच्छा भोजन, फेस्टिव खाना जिसे हम बोलते हैं, उसमें भाग लेने को बुलाए। तो ये थोड़ा सा फैला देना कि रिक्शा होल्डर 12 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ आके, 12 बजे आएंगे अच्छा होगा क्योंकि साथ थोड़ा सा मिलेंगे, गाना गाएंगे, क्रिसमस फादर आएगा तो थोड़ा सा उनके साथ मनाने चाहते हैं। तो क्रिसमस हम ऐसा रोज ऐसा होता है कि हम बिशप लोग फादर लोग यहाँ इकट्ठे खाते थे, इस साथ यहाँ नहीं खाएंगे, उनके साथ खाएंगे। तो ये पहली बात है, क्योंकि और साथ क्या होता था कि कम से कम 60-70 केक पहुँच जाते थे,
इसलिए हमने कहा कोई केक नहीं लाएगा, कोई फूल गुच्छा नहीं लाएंगे, और उससे जो पैसा अगर बचाते हैं उसे गरीब को दे दें। बिशप ने एक बात नहीं बताई कि पिछले सप्ताह हम दो स्थानों में गए थे, तीन स्थानों में गए थे, जहाँ पर जो बहुत गरीब हैं उनके लिए हम लोगों ने कंबल दिया और बच्चों के लिए छोटे मोटे उपहार दिए थे। प्रभु यीशु क्राइस्ट का जो संदेश था वो अपनाया है, लेकिन इस साल थोड़ा सा अलग है। लॉकडाउन की वजह से, कोविड विश्व महामारी से दुनिया ही पूरा बदल गया है, और इस दुनिया में ऐसे कई चीजें आए हैं जो आगे जीने के लिए काफी कठिन करेंगे, विशेष करके गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को बहुत कठिनाइयां आएंगी। और इसलिए आर्कबिशप और हम एक साथ बैठ के सोचे, इस साल हम क्रिसमस एक नया तरीका से मनाएंगे। पहली बात है, जैसे आप लोग जानते हैं, जब लॉकडाउन हुआ, कोविड का ये पूरा परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो हमें सरकार के साथ मिलके, सबसे बड़ी बात है, सरकार के साथ मिलके हमने लोगों की सेवा करी, शेल्टर होम चलाए, करीब करीब सारे, न सिर्फ आज डायसिस लेकिन जो यहाँ धर्म समाज है उनके साथ मिलके करीब करीब 20,000 से अधिक परिवारों को हमने 15 दिन या 3 हफ्तों तक राशन दे दिया। और उसके बाद एक बार सारे जो रिक्शा पुलर हैं उनको राशन दे दिया। उसके बाद हम करीब करीब 15,000 प्रवासी थे, उनको रास्ते पे खड़े होके जो यहाँ से गुजर रहे थे उनको खाना दे दिया रास्ते के लिए, मतलब काफ़ी अच्छा खाना जो 2 दिन तक पानी के साथ आगे जा सके। कम्युनिटी किचन 2 जगह में हमने चलाया, उसके बाद हमारे यूथ लोगों ने, हमारे धर्म समाज ने 1 महीने के लिए कम्युनिटी किचन चलाया, और वहाँ न सिर्फ खिचड़ी देते थे लेकिन अच्छा खाना, दाल भात सब्जी के साथ। हमने और एक जो काम किया वो शेल्टर का था, जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोग हमारे पास 3 हफ्ते तक रहे। मुरी में 40 दिन एक ग्रुप रहा 200 लोगों का। तो ये सब कुछ सेवा हम कर दे, क्योंकि प्रभु का प्यार प्रेम हम दूसरों को बांट कर जाए। और आज बिशप सोचा कि ये जो हम कर रहे हैं वो ही सेवा इस साल हमारे सबसे बड़ी पर्व क्रिसमस होती है, जैसे आप लोग जानते हैं, उसमें हम आगे